सीरियल इमली की कहानी में अब आप देखने वाले हैं मालिनी का एक नया रूप। वेल, बता दें आपको कि पूरे परिवार के सामने इमली को विलन बनाने के लिए आर्यन और इमली की शादी प्लान कर रही है मालिनी। आदित्य की मौत की खबर इस वक्त चारों ओर फैल चुकी है और इसके बाद परिवार वाले पूरी तरह बिखर भी जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आर्यन और इमली की शादी को प्लान करके मालिनी इमली की इमेज त्रिपाठीज के सामने गिराने की कोशिश करेगी कि अभी ही तो आदित्य की मौत हुई है और अब इमली अपनी शादी भी प्लान कर रही है। सब कुछ किया कराया तो मालिनी का होगा और वो भी आर्यन के साथ मिलकर, लेकिन वो पूरा इल्ज़ाम डाल देगी इमली पे। तो इस तरह से त्रिपाठी इसके मन में अब इमली के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट आने वाली है। मालिनी का प्लान कामयाब होने वाला है क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त त्रिपाठी बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं और उनके लिए एक सही गलत सोचना मुश्किल है। जो लोग उन्हें दिखा दें शायद वही वो देख लेंगे, तो इसीलिए इस बार इमली को अपनी फैमिली का साथ नहीं मिलेगा और मजबूर होकर उसे आर्यन से शादी भी करनी पड़ेगी। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मालिनी का ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर आदित्य और आर्यन के बीच हुए उस हादसे को नहीं भुला पा रही है इमली। तो इंतज़ार रहेगा शो में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का कि आर्यन से शादी होने के बाद इमली की ज़िंदगी कैसे बदलती है। मालिनी की साजिशें तो आदित्य के जाने के बाद भी कम नहीं होने वाली। मालिनी का मकसद सिर्फ यही रहेगा कि वो इमली की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उस गड्ढे में खुद गिरते भी हैं। तो यही कहावत अब मालिनी के केस में भी सही साबित होने वाली है। जब जब वो इमली के लिए साजिशें रचेगी तब तब वो खुद ही उस साजिश का शिकार होगी। इंतजार रहेगा शो में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।